मध्य प्रदेश विधानसभा में जिन महिला वोटर्स की बदौलत बीजेपी सत्ता तक पहुंची, अब उन्हीं महिलाओं ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दो चरणों में महिला वोटर्स का प्रतिशत घटा है, उससे पार्टी की नींद भी उड़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में महिला मतदाताओं के वोट प्रतिशत में करीब 11% की गिरावट हुई है। अब महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने पार्टियां कोशिश में जुटी हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अब महिलाओं के साथ हर वर्ग के वोटर्स को लाकर मतदान प्रतिशत में इजाफा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी का कहना है कि शादियों के सीजन की वजह से महिलाओं का मतदान कम हुआ है। वहीं कांग्रेस ने कम वोटिंग के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पे कम मतदान को लेके हम भी चिंतित हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक का देशवासी और मातृशक्ति अपना योगदान दे हम चाहते हैं, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक पुनः शक्ति केंद्रित करते हुए मतदाता को जागरूक करके लाने में प्रयासरत रहेगा, और यही उम्मीद हमें सरकार की एजेंसियों से और चुनाव आयोग से है। अरे भाई, बीजेपी के कारण तो मतदान कम हुआ है, 11% वोट कम हुए हैं, और इसलिए हुए हैं कि इनने 3000 रुपये देने के लिए कहा था, 1000 रुपये दे रहे हैं। इन्होंने कहा था क्रमशः हम 3000 रुपये तक इसे लाडली लक्ष्मी योजना की स्कीम को ले जाएंगे, तो ये हमारे बहनें प्रतीक्षा कर रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स बड़ा फैक्टर साबित हुई थी। अब एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए बीजेपी महिला मतदाताओं को लुभाने में लगी है। रजना दुबे, मंसल न्यूज़, भोपाल।